हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NIIT यूनिवर्सिटी 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, NIIT यूनिवर्सिटी 2022 का गाइस एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी गाइस, इसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से चेक करना है, कौन कौन NIIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है गाइस, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है NIIT यूनिवर्सिटी 2022 और आगे टाइप करना होगा cet.co.in। अब गाइस cet.co.in लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आप लोगों को NIIT यूनिवर्सिटी 2022 की हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन जो है टाइमली अपडेटेड मिल जाएगी। देख सकते हैं जैसे आप इसे सर्च करेंगे जो सबसे पहला रिजल्ट गूगल में दिखा जाए, सिंपली उसे क्लिक करके ओपन कर देना होगा। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो गाइस डायरेक्टली आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दी गई है उस पर क्लिक करके भी आपके सामने डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है NIIT यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसे मैं थोड़ा जूम कर दे ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे NIIT का फुल फॉर्म क्या गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो इसका फुल फॉर्म है NIIT का, जो कि एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि ऑल ओवर कंट्री से कोई भी गाइस यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको हर एक UG और PG कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। और बात की जाए ऑर्गेनाइजिंग कंडक्टिंग बॉडी की, तो NIIT यूनिवर्सिटी खुद ही इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कंडक्टिंग बॉडी आपकी यहाँ पे है। एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होने वाला है। आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन में इनकी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड कैसा आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना होगा। लास्ट में यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से कोर्स प्रोवाइड करे जाते हैं, तो देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट में आपको BTech हो गया, BBA हो गया, इंटीग्रेटेड MBA हो गया, BTech MSc हो गया, BTech MTech हो गया, इंटीग्रेटेड MSc, ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में भी आप देख सकते हैं कई सारे कोर्सेज पूरे आपको यहाँ पे दे दिए गए। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्विक लिंक्स की, तो गाइस अगर आपको यहाँ पे NIIT यूनिवर्सिटी की कोई भी पर्टिकुलर एक डिटेल के बारे में जानना है तो यहाँ पे सिंपली उसके सामने दी हुई लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर डिटेल के बारे में हम डिटेल में जान सकते हैं। एग्जाम डेट गाइस यहाँ पे अभी तक रिलीज नहीं किए गए, लेकिन यहाँ पे 22 डेट्स दे दिए गए, आप यहाँ से डायरेक्टली 22 डेट्स चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। अब गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे NIIIT यूनिवर्सिटी 2022 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाए कोई भी गलती करते, कोई भी मिस्टेक करते, इनवैलिड डिटेल्स देते तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइस कई बार स्टूडेंट्स का होता भी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे आप लोगों का गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो एप्लीकेशन रिलीज होते हम उसके ऊपर एक जो वीडियो बना देंगे जिसमें आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। तो जिससे गाइस आप लोग डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो गाइस 1500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रहेगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब गाइस अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको उसके लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो गाइस आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहते। देख सकते हैं अभी यहाँ पे UG कोर्सेज में BTech हो गया, PG कोर्सेज में MTech, हर एक का यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी अलग अलग दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आके आप डायरेक्टली अपने कोर्स के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसीजर बता दिया गया कि आप ये देख सकते हैं NUET हो गया, NUMET हो गया। तो गाइस इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग टेस्ट NUET जो है आपका NIIT यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेस्ट है, और ये MUET जो है मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज चाहिए तो NUMET का एग्जाम देना होगा, बाकी आपको इंजीनियरिंग के NUET का एग्जाम देना होगा। अब गाइस यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिजल्ट की बात करें तो जैसे आपका मेरिट लिस्ट रिजल्ट रिलीज होता है, डिक्लेयर होता है, काउंसलिंग स्टार्ट होता है, तो उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ये इवेंट्स होंगे तो हम आपको तुरंत लाइव अपडेट कर पाएंगे विद वीडियोस नोटिफिकेशन। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को जो यहाँ पे NIIT यूनिवर्सिटी 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई हेल्प है, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।